So, नमस्ते इंडिया वालों। तो आज की वीडियो में हम लेंगे सिंगिंग में ढिंचक पूजा को टक्कर देने वाले। बिना ऑटो ट्यून के अपनी भद्दी आवाज में गधों से अच्छा रेखने वाले। इंडिया के बिगेस्ट सिंगर ऐसा खुद को समझने वाले टोनी कक्कर की। टोनी कक्कर एक गायक हैं जो अपने गाने टिकटॉक पे वायरल करते हैं क्योंकि सारे सेम होते हैं, कोई नया कुछ नहीं होता। तो आप में से जो लोग टोनी कक्कर को नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि टोनी कक्कर उन लोगों में से जो स्वच्छ भारत अभियान का बिल्कुल पालन नहीं करते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हर महीने गाना अपलोड करने के नाम पे यूट्यूब पे हकते नहीं। कुछ दिनों पहले टोनी कक्कर ने यूट्यूब पे फिर हगा, अपना एक नया गाना अपलोड किया, नंबर ले। अब इस गाने में टोनी भाई ने जो धुएं काटे हैं भाई, वो तो आप खुद ही देख लो, आइए देखते हैं, बैठ के मजा आएगा। अब वीडियो की स्टार्टिंग में आप देखेंगे लड़की पटानी का एकदम नया और ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट, जिससे पहले पूरे पृथ्वी लोक पे किसी ने ट्राई नहीं किया होगा। अरे क्या लावड़ा फंस गया मुँह में। लड़की शहर में नहीं हो, सुंदर हो, क्यूटी लग रही हो, वैसे सिंगल होने का भी अच्छा, क्या हस्बैंड ढूंढ रही हो। चला जा बहुत दिखे, कुछ भी करा रहा हमसे, कह रहा यहाँ के डाउन है, का बवासीर बना दिया। वाओ, व्हाट एन ओरिजिनल आईडिया। साला हर 3 में से 4 बॉलीवुड मूवीज में लड़की को पटाने करने के पास यही तरीका है। अरे टोनी भाई कुछ नया कॉन्सेप्ट, कोई नई क्रिएटिविटी लाते यार। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं भी नई क्रिएटिविटी की बातें किससे कर रहा हूँ, जो अपनी हर वीडियो में एक ही ऑटो ट्यून करके गाना गाता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तू लड़की लगती बॉम्ब, फोन कर कहती हेलो कौन, मैंने बोला हम है यहाँ के डॉन। नल्ले डॉन, कसम खुदा की तेरे कुत्ता ने बना दिया ना, मेरा नाम सलमान खान। डॉन डॉन डॉन, टोनी भैया आपसे बड़े तो गुटकी के पैकेट होते हैं जो डॉन लोग खा के थूक देते हैं। हम है यहाँ के डॉन। टोनी भैया आपसे बड़ी तो डॉन वर्ड की स्पेलिंग है। अरे टोनी भैया डॉन वन बनना छोड़ो और एक अच्छा सिंगर कैसे बनते हैं वो अरिजीत सिंह से सीखो। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। अब जरा एक बार इन कातिलाना लिरिक्स पर गौर फरमाइए। नहीं साला, मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि टोनी भैया इतने वाहियात लिरिक्स कैसे लिख लेते हैं। अब या तो टोनी भैया दूध में हार्पिक मिला के सस्ते नशे करने के बाद ऐसे लिरिक्स लिखते हैं, या फिर वो अपने गानों के लिरिक्स लिखने से पहले अपनी पुरानी वीडियो देखते हैं जो हार्पिक वाले दूध से ज्यादा खतरनाक है। लेकिन एक सेकंड, What are you fucking gay? Oh, Instagram promotion. अब टोनी भैया जैसे गाने आप बनाते हो ना, आपकी वीडियो देखने के बाद इस लड़की के फॉलोअर्स बढ़ना तो पता नहीं, पर माइनस में जरूर जाएंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। अब टोनी भैया जैसे गाने यूट्यूब पे और कोई नहीं बना सकता, क्योंकि यूट्यूब पे ज्यादातर लोग टैलेंटेड है। अरे बहनचोद पागल है, सुन लिया एक बारी में यार, हद है। हेलो कौन? नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। हेलो हम बोल रहे हैं। हेलो कौन? हेलो हम बोल रहे हैं। मीनवाइल हेलो कौन? हम बोल रहे हैं। भाई बहुत बढ़िया, एक फेमस भोजपुरी सॉन्ग की लाइन टीक टोनी भैया ने बहुत अच्छा काम किया, अब इनके गाने में कम से कम को सुनने लायक तो आया। और भाई सही बताओ तो ये एक अकेली भोजपुरी गाने की लाइन टोनी भैया की पूरे करियर से अच्छी है। अब भाई मुझे पता है कि तुम में से टोनी कक्कर की कई डायहर्ड फैंस कमेंट में लिखेंगे कि भाई टोनी कक्कर ने से पहले भी कितने अच्छे गाने बनाए, जैसे मिले हो तुम हमको वगैरह वगैरह। और भाई मैं तुम्हारी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, मिले हो तुम हमको वाकई में बहुत अच्छा गाना था, मगर वो कहते हैं ना यार, एक खराब घड़ी दिन में 2 बार सही टाइम तो दिखाई देती है। अब टोनी कक्कर और जॉनी सिंस में बहुत सिमिलैरिटी है। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे एक मिनट भाई, बता रहा हूँ कैसे, रुको जरा, सबर करो। अब टोनी कक्कर और जॉनी सिंस की सबसे पहली सिमिलैरिटी ये है कि दोनों की वीडियो लोग म्यूट करके देखते हैं। और दूसरी सिमिलैरिटी जो इन दोनों में एकदम सेम है कि ये दोनों ही गाना नहीं गा सकते। तो यार बस आज के लिए इतना ही, आप लोगों से दिल से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को भी मेरी पिछली वीडियो की तरह ढेर सारा प्यार देना, और वीडियो में आपको क्या पसंद आया क्या पसंद नहीं आया इसे कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।